हेलो दोस्तों, आज से हम लोग इस चैनल पे एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर वेडनेसडे और संडे मूवीज और वेब सीरीज से जुड़ी हुई सारी छोटी बड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ये वीडियो पांच सेक्शन में डिवाइडेड रहेगी, जिसमें सबसे पहले आएगी MCDC न्यूज, जिसके अंदर हम लोग मार्वल, DC और सुपर हीरो से जुड़ी सारी मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बातें करेंगे। अगला सेक्शन होगा बॉक्स ऑफिस न्यूज का, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन सी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ रही है और कौन सी मूवीज उसी झंडे के डंडे को अपने कान में डाल रही है। इसके बाद अगला सेक्शन होगा अपकमिंग मूवीज और सीरीज का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मूवीज और सीरीज इस हफ्ते आने वाली है। इसके बाद अगला सेक्शन आएगा ट्रेलर रिलीज का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते में कौन कौन से ट्रेलर रिलीज हुए जो कि आपने मिस कर दिए होंगे। और आखिरी सेक्शन होगा ट्रुथ्स एंड रूमर्स का, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज के सारे अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिंज अपडेट के पहले एपिसोड से। सबसे पहले बात करते हैं MCDC न्यूज की। तो मार्वल की तरफ से सबसे पहली न्यूज ये है कि द मार्वल मूवीज, जिसकी रिलीज डेट 10 नवंबर 2023 की है, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है, बट क्योंकि बाहर विदेश में एक्टर और राइटर की स्ट्राइक चल रही है, इस वजह से इस मूवी का प्रमोशन करने के लिए कोई भी एक्टर इस मूवी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से मूवी के डायरेक्टर, कंपोजर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी मूवी से अगली अपडेट ये है कि इस मूवी के डायरेक्टर निया डकोस्टा ने ये बात कंफर्म कर दी है कि इस मूवी के अंदर मिस मार्वल यानी कि कमाला खान की रियल एज 16 साल की होने वाली है। अगली न्यूज है DC की तरफ से। तो सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर डेविड अय्यर ने ये ट्वीट किया कि उनकी मूवी सुसाइड स्क्वायर में जोकर के माथे पे जो हमने टैटू देखा था, जिस पे लिखा हुआ था डैमेज, वो मूवी का ओरिजिनल प्लान नहीं था, उसकी जगह पे वहाँ पे ब्लेसेड लिखा हुआ होना चाहिए था और इस बात के लिए मूवी के डायरेक्टर को रिग्रेट है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस इन्फॉर्मेशन का करूँ क्या। अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो गदर 2, जिसको रिलीज हुए अब 9 दिन हो चुके हैं, इसने अब तक इंडिया में नेट 336 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें ओ माय गॉड 2 की, तो इस मूवी को रिलीज हुए भी 9 दिन हो चुके हैं और ये मूवी भी 100 करोड़ क्लब के अंदर घुस चुकी है। और इनसे एक दिन पहले रिलीज हुई थी रजनीकांत जी की मूवी जेलर, जिसको रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं। इस मूवी का अब तक नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 263 करोड़ का हो चुका है। वहीं अब बात करें ओपनहाइमर और बार्बी मूवी की, तो बार्बी मूवी ने 1.2 बिलियन डॉलर का क्रॉस पार कर लिया है और दूसरी तरफ ओपनहाइमर ने 650 मिलियन डॉलर का कलेक्शन कर लिया है। अब बात करते हैं अपकमिंग मूवीज की। तो इस हफ्ते थिएटर में रिलीज होने वाली है ड्रीम गर्ल 2, जिसमें हमें लीड रोल में दिखने वाले हैं आयुष्मान खुराना और उनके साथ साथ हमें देखने को मिलेंगे वही सारी पुरानी कास्ट जो हमें ड्रीम गर्ल 1 में देखने मिले थे। इस मूवी के साथ रिलीज होगी एक और मूवी जिसका नाम है किंग ऑफ कोठा, जिसके लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे दुलकर सलमान। इसी के साथ साथ 25 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे तमन्ना भाटिया की एक वेब सीरीज भी रिलीज होने वाली है। अब बात करें अपने अगले सेक्शन ट्रेलर रिलीज की। तो इस हफ्ते कोई खास ट्रेलर नहीं आए हैं, बस एक ट्रेलर आया था तमन्ना भाटिया की वेब सीरीज आखिरी सच का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं आखिरी सेक्शन की, ट्रुथ्स एंड रूमर्स। तो सबसे पहले रूमर ये है कि डैजलर की कैरेक्टर जो कि डेडपूल 3 में दिख सकती है, उसके लिए टेलर स्विफ्ट को चुना जा सकता है और लोगों ने तो इसका फैन आर्ट बनाना भी शुरू कर दिया है। तो अगली न्यूज है OMG 2 मूवी को लेकर के, जिसमें वायकॉम 18 के CEO ऑफ प्रोड्यूसर ने खुद ये बात कही है कि अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करी है। अगली रूमर है टाइगर 3 मूवी से कि इस मूवी के लिए यशराज फिल्म ने हॉलीवुड से 2 एक्शन डायरेक्टर बुलाए हैं। पहले है मार्क स्किजैक, जिन्होंने डंकर को डार्क नाइट राइजेस जैसी मूवी के अंदर काम कर रखा है, और दूसरे है क्रिस बॉन्स, जिन्होंने एवेंजर्स एंडगेम जैसी मूवी में काम किया है। तो बस यही थी आज की अपडेट्स, मैंने कम से कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स देने की कोशिश की है। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप अगली वीडियो को भी मिस ना कर सकें।